एक पूरा एक कलकत्ता वाला ग्रुप खड़ा हो भाई। धन्यवाद स्वामी जी। ये कलकत्ता वाले ग्रुप के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। सारे एक साथ आए हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। तो ऐसे योग के भी समूह बन गए हैं। पहले तो असुरों के गैंग थे, अब ये योग वाला पूरा संघ शक्ति आ गई है। तो इनके जो है प्रेरक कौन है गुरुजी? संतोष जी, योगाचार्य हमारे। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना हो तो केवल 8954666111, 8954666222333445, 8954555999, इसके अलावा कोई नंबरों पर संपर्क नहीं। नहीं तो बहुत लोग हर दिन दो चार लोग बोले जी हम तो ठगे गए, डिजिटल फ्रॉड के शिकार हो गए। अरे भाई रोज बताता हूँ। क्या हाल है जी बहन जी? ओम स्वामी जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतनी प्रेरणा कैसे मिली कि सबके सब एक ही साथ टपक गए? सब संतोष जी की कृपा है, एक साथ सबको एक धागे में पिरो के रखा है। हाँ ये अच्छी बात है। और सब रोज वहाँ पर भी कर रहे हो ना? हाँ हाँ, अब कलकत्ता में भी कर रहे हैं। ऐसे योग की क्लासे पूरे देश में 1 लाख के करीब क्लासे लगती है। एक बार सबका अभिनंदन है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे बता रहे थे अभी गीता जी का, ऐसे हमारी श्रद्धामयी माताएं, बहनें, बेटियां, भाई कि भाई अपना सुबह सुबह 1 घंटा कर लो ना, करा लो, कितनी बड़ी सेवा है। स्वामी जी एक बात बतानी थी, 3 साल पहले बेटी का जन्म हुआ, तो वो जब से जन्म हुआ तब से ही बीमार रहती थी। 4-5 दिन के बाद ही उसको फीवर आता था, 102-103 डिग्री। एलोपैथिक दवाई दे दे के थक गए। फिर 1 साल की जब हुई तो गिलोय देना शुरू किया। अब गिलोय देते देते ऐसा हुआ है, पूरी उसकी जो फीवर जो आता था 4-5 दिन में वो एकदम ठीक हो गया। ये बहुत लोगों का अनुभव है, ये मैंने खुद कितनी माताओं के मुख से सुना हुआ है कि जिन बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम बुखार, लो इम्यूनिटी बच्चों की रहती है ना, इसके नाम पर बहुत विदेशी कंपनियां ठगती हैं और तुम्हें कई तरह की चीज़ें खिलाने के लिए घर में तुम हजारों हजारों फिर धीरे धीरे लाखों रुपए की चीज़ें बच्चों को खिला देते और उनके जिस्म को बर्बाद कर देते। गिलोय पिलाए मैया ने, धन्यवाद। ये गिलोय कितने छोटे छोटे बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता था। और भी कुछ कहना कहो स्वामी जी। ओम ओम मैया। मेरी आईज ड्राई है, माउथ ड्राई है, आंख भी ड्राई, मुंह और बाल उड़ रहे हैं पूरे। ये पित्त के कारण से उड़ रहा है सब मामला मैया, तो पित्तहर जूस पिलाएंगे यहाँ। आर्थराइटिस भी है। हाँ वो पित्तहर जूस में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पिएंगे ठीक हो जाएगा। आँखों की ड्राइनेस के लिए तो आई ग्रिट, वटी और ड्रॉप, और मुँह की ड्राइनेस के लिए अभी बताया था ना एलोवेरा, वो लेना। लोकी थोड़ी ठंडी होती है उसको कम ले लेना है ना, तो अर्थराइटिस नहीं बढ़ेगा। चलो बैठो भाई, सबके लिए जोरदार अभिनंदन। ये पूरा ग्रुप आया है, किसी को मोटापा है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है। वैसे भी शरीर की सर्विस करानी चाहिए। गाड़ी की सर्विस कितने किलोमीटर पर करवाते हो? 5,000-10,000? 5,000 किलोमीटर गाड़ी चल जाए तो सर्विस, और तुम्हारी गाड़ी तो धुआं दे रही है, नट बोल्ट ढीले पड़े, इंजन गड़बड़ है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब गड़बड़ हो रखा है, घुटने रिपेयर मांग रहे हैं, ग्रीसिंग कम हो गई है, अपनी गाड़ी की सर्विस पाल करे, ऊपर से कबड्डी का मैदान भी तैयार हो गया। भाई साहब आप अपनी गाड़ी कितने हजार कितने लाख किलोमीटर चल रही है, साल में एक बार आके यहाँ सर्विस कराया करो। चलो अनुलोम विलोम करो जी। भाई साहब ओम स्वामी जी। ओ मैं भी कलकत्ता से आया हूँ और संतोष जी के ग्रुप से आएंगे, लेकिन मैं आया था कल शाम को, इसलिए इनके साथ में ड्रेस नहीं पहन सका। जी कल शाम को भी आपसे मिला था मैं। हाँ तो मेरे को 2008 में ट्रांसफर माइलाइटिस हो गया था, यहाँ से लेके पूरे जीरो पावर हो गया था, पाँव एकदम जीरो हो गए थे। हाँ ये कल बता रहा था मेरे से, बहुत बुरी हालत थी इसकी। तो फिर 2008 में जैसे उठा, उसके बाद मैंने धीरे धीरे योग करना शुरू किया, योग करते करते आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। ये सफारी पार्क में मिला था मेरे से कितने साल पहले भैया? कई साल हो गए सर।
20 साल से पहले की बात है। मैं आपको मतलब 2000 से फॉलो कर रहा हूँ। हाँ। 2000 से फॉलो कर रहा हूँ। आज मोटा मोटी मैं 90% ठीक हो गया, थोड़े से घुटने में प्रॉब्लम है। ये पूरा ये ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, मतलब हिल भी नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था, कोई बैठा देता बैठ जाता तो कोई मतलब बैठ के भी पीछे से लोग को पकड़ना पड़ता। न्यूरोग्रीट, इम्यूनोग्रीट, गिलोय, अश्वगंधा और सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम, सारी नस नाड़ियां ठीक। तो अभी थोड़े से क्या है, जॉइंट में पेन है मेरे, ये भी निकल जाएगा। अब यहाँ जो वात वाला प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना है सर। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, निकाल के भेजेंगे आप। या आधे तो लोग देखा देखी ठीक हो जाते हैं, अरे भी सब अच्छे हो रहे हैं तो मैं भी अच्छा होऊंगा। एक पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। सफारी पार्क वाले खड़े हो ना भैया, हाँ ये भी बोलो बाबा जी दो ना इनको। प्रणाम, मैंने कल भी बताया था सफारी पार्क में मैं आपसे मिलता था, एक हाँ। बार नहीं अनेक बार। मैंने आज से 25-30 साल पहले 10-20 लोगों के भी कैंप किए हुए हैं, दो दो लोगों को भी योग सिखाया हुआ है। आज मुझे लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने यात्रा शून्य से शुरू की है, शून्य से। कोई नहीं पहचानता था, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये पहचान, ये शानो शौकत कोई ऐसे उधार में नहीं लिए किसी से। लोगों का फायदा होता गया, लोग मानते। एक विशेष बात, मेरे लिपिड प्रोफाइल 95, 96, 94 के आसपास हो गया था। उन्होंने बिना पूछे ही वो एंटी प्लास्टी डालने की तैयारी कर ली थी। वीआईपी था मैं जहाँ वो हॉस्पिटल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारत के हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा कि आपका क्या है, आप तो उस फलां डॉक्टर के घनिष्ठ हैं, प्रणाम करता है वो आपको। और मैंने मना किया जिद करके। हाँ। और अंत में उनको धमकाया कि मैं गाली ग्लोज नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपकी रिपोर्ट करूंगा, मेरा प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा। उस धमकी के बाद कलकत्ता के डॉक्टरों ने, मेरे घनिष्ठ, उन्होंने धमकाना चालू किया कि मर जाओगे। अब ये 14 साल तक, अभी तक तो मैं नहीं मरा हूं। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल 65 से नीचे ही है, तो डॉक्टर देख देख करके निराश हो जाते हैं। लो मरा नहीं अभी तक। ये नहीं बात। अच्छा, लोग तो बढ़ने से परेशान है। तो भाई साहब, आप ड्राई फ्रूट खाया करो, भिगो करके, जम करके। आपका रोज योगाभ्यास करो खूब, जितना चल सकते हो कर, चलते चलते भस्त्रिका कपाल भाति, अनुलोम विलोम करो। और भाई साहब, क्या नाम भाई साहब आपका? मोहनलाल पारीख। मोहनलाल जी, जिनका ऐसे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, बादाम, अखरोट, ये सब ड्राई फ्रूट्स भिगो करके, पीस करके 50-100 ग्राम रोज खाया करो ड्राई फ्रूट्स, और योग किया करो, एकदम कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और खाली पेट गाय का घी खाओ 1 चम्मच, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल भी। एचडीएल कितना है आपका? एचडीएल कम है। कितना है ये अब कल बताना। एचडीएल भी बढ़ेगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, और ये जो बाकी भी लिपिड कम हो गया ना, वो लेवल में आ जाएगा। ड्राई फ्रूट खाओ, मौज करो। ये कोई प्रश्न आ जाता है इसलिए उन चीज का समाधान बता देते, परेशान। चलो अनुलोम विलोम करो, कपाल भाति करो। अभी तो भस्त्रिका भी नहीं किया, करो। हाँ बहन जी, चलो करो, ऐसे करो। ओम स्वामी जी, जो स्वामी जी से सचमुच करते प्यार, वो योग करने से कभी नहीं करते इनकार। स्वामी जी, मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। मेरे को 2014 में मेरा बुखार नहीं उतरता था। 3 महीने डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, सब कुछ किया, पर समझ नहीं आ रहा था कारण बुखार का। तो मैंने उस टाइम पे गिलो पे विश्वास नहीं था, पर मेरे को किसी ने बताया कि आप गिलो की टैबलेट्स लेना शुरू करो। मेरे परिवार वाले मुझे गुस्सा करते थे कि ये दवाइयाँ खाने से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं खानी। लो आयुर्वेद के ये अमृतदायिनी जड़ी बूटियाँ खाने से बोलो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा डरा रखा है, देश को बहम में डाल रखा है, संशय में डाल रखा है। तो स्वामी जी, मैं परिवार वालों से चोरी दिन में 12-12 गोलियां गिलो की खाती थी। चोरी कर कर के, ये तो पूरा थोक में खाने लग गई। रात को उठ के मैं 2-2.5 बजे जब बुखार लगता था, मैं 2 गोलियां गिलो की खा लेती थी। तो 1 हफ्ते में मेरा बुखार ठीक होना शुरू हो गया, और फिर मेरा सारी प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई। अब मैं अपने माता जी को लेके आई हूँ, तो मेरे परिवार वाले जो बिल्कुल नहीं मानते थे, अब मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया से आया है, कल हम आपको मिले थे वहाँ पे, अब पूरा परिवार मानने लग गया। ये है,
अपने इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, रियल वर्ल्ड एविडेंस, लाइव एग्जांपल। तो मेरा पूरा विश्वास है मेरे माता जी आपको मिले थे कर, वो भी अच्छे तो वो ठीक हो जाएंगे। पक्का पक्का, पूरा परिवार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, पूरा कुटुंबा कुटुंब आया हुआ है। चलो भस्त्रिका करो ना। इतनी जोर से नहीं होगा सबसे, तो ऐसे करो। हाँ भाई साहब क्या कहना, कहो। ओम स्वामी जी, कोविड में मेरी पूरी खुशबू चली गई थी स्वामी जी। लो थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, अनु तेल डालो नाक की खुशबू आ जाए क्या। दो चार डॉक्टर को भी दिखा लिए थे, बेस्ट स्पेशलिस्ट थे ENT वाले, लेकिन उन्होंने बोला कुछ नहीं हो सकता, ये परमानेंट चली गई, अब आएगी नहीं। लेकिन मैंने अनुलोम विलोम, मतलब मम्मी के कहने पे, मम्मी पिछले साल यहाँ आई थी, आप पूरी भक्त हो, वो लड़ लड़ के प्राणायाम कराती थी, अनुलोम विलोम करवाती थी, तो एक एक दो दो घंटे करने से वापस आ गई। लो अनु तेल भी नहीं डाला, जल नीति सूत्र नीति भी नहीं की, कुछ नहीं किया, बस अनुलोम विलोम विलोम से वो खाई खोई हुई नासिका की घ्राण शक्ति आ गई। क्या नाम बेटा? विकास अजमेरा, कोटा से आया हूँ। बहुत आशीर्वाद, विकास की विकसित हो गई घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति चली गई थी। अब सूंघने की शक्ति चली जाए ना, तो आदमी तो ऐसे ही उसको दुर्गंध पड़ाओ, कुछ गंध हो सुगंध, एक भी इंद्रिय की शक्ति क्षीण हो जाए, कितना कष्ट कर होता है। कुछ भी खाओ स्वाद ही नहीं आता था। क्या खा रहे हैं? वो मतलब जिंदगी का आधा सुख खत्म हो जाता है। स्वाद और घ्राण, ये दोनों वापस आते हैं योग से। चलो खुश हो भाई। ओम सम, ये अद्भुत अद्भुत चीजें पता लगती है तो पूछते तब। हाँ बहन जी, आपको भी कुछ कहना है? हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम मेरी बहन। गुरु जी, मैं 2020 में आई थी तो मुझे डबल विजन की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा। हाँ। आप मुझे इंडिया टीवी वाले उस पर भी लेकर गए थे, जब मेरा 3 दिन में ही डबल विजन यहाँ आने के बाद ठीक हो गया। 3 दिन में डबल विजन ठीक। हाँ जी। एक बेटी अपनी माँ को और लेकर के आई हुई है, उसको तो अंदर ब्रेन में ट्यूमर की वजह से डबल विजन आ गया था, उसने घर पे ठीक कर लिया तो यहाँ लेके आ गई। बोले जब माँ का डबल विजन, जो प्रेशर था आँख पर, वो ठीक हो गया, तो इसका मतलब अंदर से अब कैंसर कम हो रहा है, तो लेके आई भी। ये तो इसको तो वैसे ही डबल विजन, अंदर के जो है सिग्नल्स गड़बड़ हो रहे थे, ठीक हो गए 3 दिन में। मुझे अब एक मैं एक ही दिख रहा हूँ ना। उसके बाद गुरु जी कितने साल हो गए, मैं 2020 में आई थी जब ना, मुझे एक्चुअली थायराइड की प्रॉब्लम है ना, तो थायराइड से मेरी एक आंख में दिक्कत आ गई थी। ये थायराइड का असर आंखों पर होता है, ठीक बताया, आंख बाहर भी हो जाए ऐसे। हाँ जी, तो दीपक उसी की तरह बाहर निकलने लगती है, डिबले की तरह बोलते गाओ। अब ठीक, अब उज्जाई ज्यादा करना और ये पॉइंट दबाते दबाते कपाल भाते करना, थायराइड थायरोग्रेड दोनों टाइम लेना धनिया के पानी के साथ, पूरी ठीक हो जाएगी। ठीक है गुरु। हाँ जी, धन्यवाद गुरु। करो भस्त्रिका करो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैं तो तेजी से करता हूँ आधा एक घंटा ऐसे, भस्त्रिका कपाल भाति अनुलोम विलोम, तुम होले होले तो कर लो जी। भाई साहब, बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम बोलने से कम हो जाएगा? कोटि कोटि कम है तो कम हो जाए, अनंत बोल दो। अनंत अनंत है। बाबा जी 2005 से मैं कैंसर हूँ, कोलोन में कैंसर हुआ था 2005 में। मरा नहीं अभी तक? मरे नहीं है, तब आप पता नहीं कैसा भगवान आपको भेज दिए थे कलकत्ते में उसी टाइम। अच्छा, मैं उसी समय गया था। हाँ, मैं मेरे ऑपरेशन के बाद में आपसे मिले थे मैं। क्या नाम है? शापन घोष। शापन, कलकत्ता से। हाँ। तो तब से बाबा जी मैं 3 केमो लेने का बाद छोड़ दिए थे सब। 3 केमो के बाद छोड़ दिया? छोड़ दिए। फिर गेहूं का जवाड़ा तो आप बोले थे, जो बोले थे गेहूं का जवाड़ा, जवाड़ा खाया, एलोवेरा गुड़ूची हल्दी तुलसी सब मिला के घर में वो जूस बना के देती थी, एकदम कल्याण हो गया। मेरा साली जी बना के देती थी वो, बस आज तक मैं वही करके आ रहा हूँ। अभी तो सब गिलोई बिगारा सब आ गया, टेबलेट योगा जोरा आ गया। लो 19-20 साल से जिंदा है, एकदम जिंदा हूँ बाबा जी, एकदम जिंदा हूँ। अभी तो आया हूँ, मेरे घुटना का दर्द है थोड़ा सा, ये भी निकाल देंगे, वो भी निकाल जाएगा। मेरा वाइफ भी आई है, मेरे वाइफ का थोड़ा बदन में थोड़ा स्किन का वो क्या बोलते हैं व्हाइट स्किन, जो व्हाइट भी अच्छा हो जाएगा उसके लिए, गोधन अर्क देंगे और वो आपका चरण पकड़ के आशीर्वाद लिए थे, आप बोलते एकदम ठीक हो जाएगा। ये देखो, नहीं तो अभी तक भूत बन के डरा था किसी को, घसपन घोष। कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि प्रणाम। हमने ऐसे 20-25 सालों से लोगों को मरने नहीं दिया है, एक बार जोरदार अभिनंदन उनका, जो विश्वास करके
योग आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं और कैंसर को भी उन्होंने, कैंसर जिससे सब डरते हैं उसको डरा दिया, भाग यहाँ से, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है, मुझे तेरे को कैसे जीतना है, कैसे हराना, वो रास्ता मिल गया है। अच्छा, रोज एक एक किलो वजन कितने भाई बहन कम कर रहे हैं, हाथ उठाना जो रोज का एक एक किलो कम कर रहे हैं, एक एक किलो हाथ उठाइए, दोनों हाथ हिलाओ तो सही, ये तो एक एक किलो वाले। और जिनका शुरू शुरू में दो दो किलो भी कम हुआ है वो हाथ उठाना, कल ही मिले थे, बोले स्वामी जी दो दो किलो भी कम हो रहा था, पीछे दो तीन हाथ तो पीछे हिल रहे हैं, और दो दो किलो भी कम कर सकते हो थोड़ा सा हिम्मत करके। तुमने कितना कम किया भाई साहब, ये गीता के साथ ही है क्या, फिर ये तो जिला प्रभारी और तू क्यों हो रहा है भारी। कितना है तेरा वजन, 82 पॉइंट, अब कितना कम हो गया। हाँ चलो, अब ऐसे रोज लगे रहना, गीता जैसे ही हो जाना, ठीक है ना, ठीक। जब तक गीता जितना नहीं होता तब तक तेरी रोटी बन। गीता का तो बहुत कम हो गया जी। ये पंजाब वाले इतने को तो ज्यादा मानते ही नहीं, ये 80 किलो को तो वजन ही नहीं मानते। नहीं महाराज जी, वजन कम करने के लिए आया हूँ। अब अनाज बंद कर देना, अनार खाना, सेब खाना, पपीता खाना, केला, चीकू और आम छोड़ करके फ्रूट्स खाना, वेजिटेबल्स खाना, अनाज, नमक, मीठा बंद। नमक एक दो चुटकी खा सकते हो, ठीक, एक दो चुटकी खाना चाहिए, लोग थोड़ा थोड़ा करके इतना ज़्यादा नमक खाते हैं पूरे न्यूट्रिशंस को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है गुरुदेव, प्रणाम जी गुरुदेव, तुझे तेरी कसम। लोग कसम भी बोलो, बाबा आपकी कसम, भगवान की कसम, माँ की कसम, मन का अपनी कसम खा। अरे अम्मा, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम, आप कहाँ से टपकी अम्मा? गुरुजी मैं वहाँ जयपुर से आई हूँ। जयपुर से जी हाँ। और कितनी उम्र हुई अम्मा? उम्र मेरी 73 है। 73, बड़ी हिम्मत वाली अम्मा। 73 की। और गुरुजी मैं यहाँ आई जब मेरा 300 शुगर था। हाँ। तो दवाइयाँ भी मेरी यहाँ आने के बाद बिल्कुल बंद कर दी। सच्ची बोल रही है अम्मा? अभी मेरी 125 है बस। लो भाई, 73 साल की अम्मा भी ठीक हो गई, इसका मतलब। और इंसुलिन भी लेती हूँ, तो यहाँ बताया गया कि इंसुलिन भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। दवाई बंद होगी, इंसुलिन भी बंद? दवाई तो बंद हो गई। इंसुलिन कितना है अम्मा? इंसुलिन मेरा 8 mg चल लगता है। 8 है तो मैं 8 से जी, लेकिन वो भी अब बहुत कम हो गए। ठीक। और कोई दवाई या कोई इंजेक्शन नहीं लेने पर भी मेरी शुगर काफी ठीक हो गई है। ये भी छूट जाएगा अम्मा, पूरा छूट जाएगा, अब खुद ही देखेंगे। मैं प्रमाण नहीं, आप खुद प्रमाण बनेंगे। और मैं काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ। नाम क्या है माँ? कौशल्या माँ। कौशल्या मैया की जय हो भैया। कौशल्या माता, यशोदा माता, मदालसा माता, गुजरी माता, जीजा माता, मदालसा माता, ऐसे रोज हम बोलते, महान माताओं का इतिहास पढ़ो और वैसे ही बनो। सारी बीमारियां, ये तो मैंने शुगर के बारे में बात की, जेनेटिक शुगर मैंने लोगों का ठीक किया है, राइट डायरेक्शन में भूल हो गई, मैंने ठीक नहीं किया, योग ने ठीक किया है। आजकल मैं बोलो ना, बड़ा खतरा आ गया है। किसने ठीक किया? योग ने। किसने ठीक किया? आयुर्वेद ने। किसने ठीक किया बोलो? आयुर्वेद ने, पंचकर्म षटकर्म। अच्छा, बीपी की दवाइयाँ कितनों की बंद हो गई जरा वो बताना, बीपी। ये भाई साहब बोलते ही खड़े हो गए, इंदर देना लगता काफी दिन से। बीपी की दवाइयाँ? हाँ, मैं महेश शर्मा इंदौर से आया हूँ। हाँ, मैं अपनी धर्म पत्नी के लिए आया हूँ, इनकी भी बहुत बीपी थी, हाई बीपी था। हाँ। और यहाँ आके 3 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। हाँ हाँ। और मैं भी अपनी बीपी और हार्ट, चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी मेरे हार्ट में, और यहाँ आने के बाद यह थेरेपी हुई और 3 ही दिन में मेरे लिए बिल्कुल राहत मिल गई। 3 ही दिनों में टनाटन हो गए? बिल्कुल 3 दिन में बराबर क्लियर हो गया है। अब दौड़ भी लगा रहा हूँ। और पहले क्या हालत थी? बिगल
बिगर रिक्शा से चलता हूँ, पैदल आ रहा हूँ साहब, पैदल जा रहा हूँ खाना खाने सब। अभी दौड़ लगाओगे तो ऐसा तो नहीं बोलते, वो मेडिकल वाले बोलते नहीं नहीं तुम बिल्कुल चलते फिरते बम हो कभी भी फूट सकता है। अभी पोले में गए तो दौड़ लगा के चला जाऊंगा साहब, बजाऊंगा साहब। और ये धर्म पत्नी है मेरी साहब, इनको भी हाथों में और पैरों में बड़ी जकड़न थी, सब निकल गई। हाँ, तीन दिन में साहब अब ये है, अभी ये कुछ बहुत देर से माइक पकड़ने की इच्छा कर रही है, दे दो इनको, इनको भजन भी गाना। गुरु मूरत गुरु चंद्रमा, गुरु मेरे चंद्र चकोर, अष्ट पैर निरखत रहो सिर चरणन की ओ। ओम गुरु जी। गुरु जी मेरा तो बहुत बड़ा किस्सा है, मैं इंदौर से आई हूँ सावित्री शर्मा। मेरे को मात्र 2 महीने खांसी चली तो मेरे को इंजेक्शन लगे 10 दिन। 10 दिन के बाद एक रोज अपने आप इतना बीपी बढ़ा कि 180 हो गया, हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे को एडमिट कर दिया वहाँ इंदौर में ही अस्पताल में। तो डॉक्टर साहब आए, 1200 रुपये की मैंने पर्ची बनवाई दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब जैसे ही अंदर आए, 1200 रुपए की पर्ची बनाते हैं। हाँ, चिट्ठी पतंजलि के 1200 डॉक्टर हैं, 1200 रुपए की भी पर्ची नहीं बनती है, पूरे देश में 1200 डॉक्टर हैं। चिट्ठी बनी, डॉक्टर साहब अंदर आए, शायद फ्रेश होके आए थे घर से खाना ना खा के। जैसे ही आके बैठे तो उनकी झपकी लग गई। उनके पास जो उनके असिस्टेंट थे वो मेरी तरफ देख रहे, मैं डॉक्टर साहब की तरफ देख रही। 1 सेकंड दोनों चुप रहे, फिर डॉक्टर साहब की एकदम से नींद खुली। फिर बोले वो, फिर लिखा उनने जो दवाइयाँ लिखना थी, लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा। यहाँ आई हूँ मैं, आई थी विकलांग बन के, लेकिन आज मेरे को 5वां दिन है, मैं बिल्कुल घोड़ी की तरह जा रही हूँ यहाँ से। हमारे नाती पोते बच्चे सारे ही खुश हो जाएंगे मेरे को देख के, क्योंकि मैं शिव शक्ति महिला मंडल की भजन गायिका हूँ। भजन सुनाती, लो पहले आई थी विकलांग होके, हाथ पर चलती ही नहीं थी अम्मा, अब एकदम बिल्कुल तनतनाहट हो गई हूँ मैं। नहीं, हाथ पर चलती नहीं थी सच्ची, बिल्कुल खुल गए, नहीं तो मैं आड़ी टेढ़ी होके आई थी बिल्कुल यहाँ पे। इंदौर वाले मेरे को एक बार पहचान नहीं पाएंगे। लो सुना, 2 लाइन सुना। हल चल सी मचा दी बाबा ने निरोग बनाया भारत को, हल चल सी मचा दी बाबा ने निरोग बनाया भारत को, श्री राम की माता कौशल्याए, श्री कृष्ण की माता यशोदाए, बाबा की जय हो बाबा की, माता गुलाब देवी निरोग बनाया भारत को, हल चल सी मचा दी बाबा ने निरोग बनाया भारत को, श्री राम के कपड़े पीले हैं, श्री कृष्ण के कपड़े नीले हैं, योगी के जय हो बाबा के, जय हो योगी के कपड़े भगवा है, निरोग बनाया भारत को, हल चल सी मचा दी मोदी ने सरकार बदल दी पल भर में, हल चल सी मचा दी बाबा ने निरोग बनाया भारत को। ये माता तो बड़ी जोरदार है, तुम दोनों चल के आ सकते हो? तुम कह रहे हो कि टेढ़े मेढ़े आए थे, दोनों दौड़ के आओ, माइक उसको पकड़ा दो। श्री राम के हाथ में धनुष बाण, श्री कृष्ण के हाथ मुरलिया है, बाबा की जय हो मोदी की, जय हो योगी के हाथ में झंडा है, जय बोलो भारत माता की, बाबा के हाथ में झंडा है, जय बोलो भारत माता की, हल चल सी मचा दी बाबा ने निरोग बनाया भारत को। अच्छा भैया, तेरे को तो पता नहीं था भजन गाना पड़ेगा, तो बना के क्यों लाई थी? पहले से बना के लाई थी? ये मैया भजन ही गाती है, आनंद करती है, और इसके हस्बैंड डांस करे,
ये बढ़िया जोड़ी। ए दोनों दौड़ के आओ देना। हाँ ए बाबा भी दौड़ रहा, अरे मैया भी ठुकर ठुकर दौड़ रही है। टेढ़े मेढ़े हो गए थे। चलो मैया ऊपर आ जाओ। अब ये मैया जो है कहीं सांस ना छोड़ दे। अब देखो दौड़ के आओ दोनों। हाँ अरे सच में तो दौड़ते। गठरी सी बंद के आई थी टेढ़ी मेढ़ी होकर के, कहीं बीपी कहीं शुगर। अब एक बात है देखो, भक्ति पूरी रखो तो अंदर से सारी शक्ति जाग जाती है। तो अब दोनों बूढ़े बुढ़िया मस्ती कर रहे हैं, यहाँ तो जवान बच्चों को भी मस्ती हासिल है नहीं, अपनी हस्ती मिटाए घूमते रहते हैं। तो योग में मस्ती है, भोग में मस्ती नहीं है, भजन में मस्ती है, भोजन में नहीं, आसन में मस्ती है, रासन में नहीं। आओ बाबा, बढ़िया ठीक है, खूब डांस किया करो। मैया जी बहुत वर्षों, सावित्री मैया कितनी उम्र होगी मैया? 68 हो गई। और इसकी 70? हाँ इसकी 70, इसकी 68, 100 साल तक जोड़ी बनी रहे थारी। हाँ जाओ खुश रहो।